What is the work done by force of gravity on a satellite moving around the Earth? ठीक है, suppose we have Earth. इसके दो बॉन्ड हो गए, इसके दो एज हैं, इसका एक बॉन्ड है, इसके तीन एज हैं, इसके तीन बॉन्ड है, इसके एक एज है. ठीक है, तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूमती है, सैटेलाइट भी मिल गया, ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूमती है तो इसमें कितना वर्क होता है, राइट? तो क्या सैटेलाइट को कोई एनर्जी दे रहा है? पहली बात तो ये नहीं, नो सर, कोई सैटेलाइट को एनर्जी नहीं दे रहा. वैसे सोलर सेल से वो उसके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के लिए तो एनर्जी है, पर सिमिलरली ऐसे कोई वो उसके मोशन के लिए एनर्जी नहीं है, तो उसके मोशन के लिए कोई एनर्जी नहीं आ रही. तो पहली बात तो ये, अगर हम इस सैटेलाइट को रोक दे तो हम देखें कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है. तो इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर ऐसे चलेगी, इस समय पे इस पॉइंट पे होगी, ठीक है. अच्छा, और अगर हम बात करें इसके कि ये इस समय पे कहाँ होगी, इस समय पे इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, राइट. फिर अगर मैं बोलूँ इस समय पे इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, हर समय पर इसकी डायरेक्शन जो होगी अलग अलग होगी, राइट, पर हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन होगी. तो इस प्रोसेस में अगर मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ द अर्थ से एक फोर्स को लग रहा है इसके ऊपर, वो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक पॉइंट पे, पर वो हर एक पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से. एंड वी हैव अभी क्वेश्चन नंबर 18 में हमने देखा था, अगर जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो ये कौन सा वर्क होता है अनीता? क्वेश्चन नंबर 18 में भी बनाया था, बताओ ये कौन सा वर्क है? जीरो, जीरो वर्क. सो हम बोलेंगे सिंस ग्रेविटेशन, इसका आंसर लिखो, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने डायग्राम वगैरह एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा होगा, ओके. Since gravitational force is acting perpendicular to the direction of its motion, h जितने हैं बच्चे, दो एड है, दो बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड. सो द वर्क डन इज जीरो. समझ आया सबको? यस और नो? नेक्स्ट.